हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है संक्षेपण प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं पर। पहली है संक्षिप्तता। किसी विषय वस्तु का मूल से संक्षिप्त होना संक्षेपण प्रक्रिया का मूल आधार होता है। प्राय यह माना जाता है कि संक्षेपण मूल पाठ का एक तिहाई भाग होना जरूरी है, अर्थात 180 शब्दों की विषय सामग्री केवल 60 शब्दों में लिखी जानी चाहिए। किंतु यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। दो चार शब्द इधर उधर होने से कोई विशेष अंतर नहीं होता। हाँ, मूल पाठ में प्रस्तुत उदाहरणों और पुनरुक्ति वाली बातों को छोड़ा जा सकता है। दूसरी है पूर्णता। संक्षिप्तता का यह अर्थ नहीं है कि मूल पाठ या विषय की कुछ अपेक्षित बातों को भी छोड़ दिया जाए। संक्षेपण प्रक्रिया में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल के सभी महत्वपूर्ण, यथार्थ, उपयोगी एवं तथ्यपूर्ण रूप में संक्षेपण के अनिवार्य अंग होने चाहिए। यदि मूल तथ्यों में से कोई तथ्य छूट जाता है तो संक्षेपण की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। वस्तुतः संक्षेपण प्रक्रिया एक तटस्थ प्रक्रिया है। इसमें न तो हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी कर सकते हैं और न ही निष्कर्ष की शैली में कोई निर्णय दे सकते हैं। अतः संक्षेपण की प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि उसमें विषय सामग्री का निरशिर विवेक समत्व पूर्ण रूप संक्षेपण ही उभर कर आना चाहिए। तीसरी है क्रमबद्धता, सुसंबद्धता। मूल पाठ के सभी तथ्यों को क्रमबद्ध और सरल वाक्यों में होना चाहिए। उनका आपसी तारतम्य बना रहना चाहिए। मूल पाठ के बीच बीच में से तथ्यों को चुनते समय इस बात का खतरा बना रहता है कि कहीं मूल पाठ की सुसंबद्धता न टूट जाए। इस खतरे से बचने के लिए सभी तथ्यों को क्रमश जोड़ते हुए उनकी सुसंबद्धता बनाए रखनी चाहिए। चौथी है स्पष्टता। इसमें भाषा की क्लिष्टता या जटिलता न होकर सरलता और स्वाभाविकता होनी चाहिए। यह अभिव्यक्ति के लिए भावानुसार भाषा चयन होनी चाहिए। बोधगम्यता इसकी प्रमुख विशेषता है। आवश्यकता इस बात की है कि मूल पाठ का संक्षेपण सहज और सरल भाषा में होना चाहिए। पांचवी है मौलिकता। संक्षेपण मूल पाठ का एक तिहाई होता है। इस प्रक्रिया में मूल पाठ के कुछ वाक्य को छोड़कर कुछ का चयन नहीं होता, वरना मूल भाव को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। यदि हम संक्षेपण करते समय मूल पाठ के तथ्यों को छोड़ देते हैं तो उसकी मौलिकता के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा और संक्षेपण का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अतः मौलिकता को बनाए रखना नितांत आवश्यक है। छठी है समाहार शक्ति। समाहार शक्ति का तात्पर्य है कम से कम शब्दों में से अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता। अतः समाहार शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल पाठ के समस्त तथ्यों को सरल बोधगम्य भाषा में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्वतः पूर्णता, प्रवाह पूर्णता और मौलिकता आदि से संक्षेपण को आदर्श रूप मिल जाता है।